पहली बात यह है, हम लोग जो मेला के बारे में चिंता करने वाले हैं, चाहे वो हमारे अभी आपने अध्यक्ष महोदय गुरुदेव विश्वंबर भारती जी महाराज श्री, और ये भी मेरे बगल में इंद्र भारती, अनेक साधु संन्यासी और माताएं जो इसके बारे में, क्षेत्र के बारे में चिंतित करने वाली, सोचने वाली, अनेक प्रकार के लोग जो होते हैं चिंतक इस मेले का, इन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। संतुष्ट होने के बाद क्या, क्या आपका जीवन अस्थिर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मतलब आपको संतुष्ट नहीं होना, मेला में जितना कार्य हो रहा है, हमारी इच्छा, जैसे अभी हमने कुछ ही काल पहले आपको गुरु जी ने बोला होगा, हम लोग अमित शाह से, अनेक प्रकार मुख्यमंत्रियों से, केशव भाई पटेल जी थे, शंकर जी थे तब, और मोदी जी बने तब, अनेक प्रकार जब वो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, मैं उनसे प्रार्थना करता रहा हूँ कि गिरनार को देखिए, गिरनार को देखिए, गिरनार की तरफ उनका मैं ध्यान आकर्षण कराते हैं। इतने मिनी कुंभ मेले का है, मगर जगह का अभाव बताते हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं, पर मेरी इच्छा है कि जितना इंतजाम है इससे 100 गुना अधिक होना चाहिए। वन विभाग से मेला कराने के लिए जमीन किराए पर लेना चाहिए, यह कोई समस्या नहीं है, यह जमीन वन विभाग की है। वन विभाग जब बना था 1927 में बना हुआ था, 1927 के पहले अर्थ क्या बनेगा? क्या बद्रीनाथ के मंदिर है, केदारनाथ के मंदिर है, क्या सहजाड़ी के मंदिर है, क्या अमरनाथ मंदिर है, या मुसलमानों की दरगाहें, या ईसाइयों का चर्च, जहां भी है कहां है, वन विभाग के अंदर है। और जब नीति बनी थी, योजनाएं बनी थी, चाहे इंग्लैंड में 1700 में, चाहे 1600 में, चाहे 1927 को, यह हुआ जो जहां प्राचीन है उस परंपराओं का निर्वाह वन विभाग करेगा। और आज वन विभाग अपना तमाम अनजान लोगों, दिशाहीन होने के कारण वो अपनी बातें करता है, वो कोर्ट की भाषा समझता है, हम नहीं चाहते हैं। नहीं तो मैं तो बहुत चैलेंज के साथ कहते हैं, अमरनाथ कहाँ है, केदारनाथ जी कहाँ है, सिखों का हेमकुंड कहाँ है, ऐसे लाखों मोहम्मद शाह दरगाह है ना जी श्रीनगर में, वो भी किसी लैंड में नहीं है, सरकारी जमीन में। तो 90% आस्था केंद्र थे, नवाब आस्था केंद्र थे, ये आस्था का मेला है, भावनाथ भगवान सिर्फ भावनाओं और आस्था का मेला है। ये कहते हो अपने बाणी को विश्राम करता हूँ, हर हर महादेव, जय गिरनारी, जय भावनाथ भगवान की।